अस्सलाम वालेकुम मोजेज़ नाजरीन, यहाँ पर बात करेंगे शाहिन शाह अफरीदी के हवाले से कि शाहिन शाह अफरीदी ने मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। शाहिन शाह अफरीदी ने मोहम्मद आमिर की कमबैक के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। कब मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिन शाह अफरीदी ने मोहम्मद आमिर के हवाले से क्या कहा है, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में एक घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा सब नई अपडेट आपको आसानी से मिलती जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई T20 और ODI कप्तान शाहिन शाह अफरीदी के हवाले से कि शाहिन शाह अफरीदी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। शाहिन शाह अफरीदी ने बता दिया कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है T20 में वो मुकम्मल तौर पर बेकार है और पाकिस्तान की जो आने वाला T20 सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा T20 सीरीज है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ तब्दीलियाँ जरूरी है। शाहिन शाह अफरीदी ने बता दिया कि इसमें मोहम्मद आमिर की तब्दीली बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शाहिन शाह अफरीदी ने बता दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए बॉलर अब T20 में शाहिन शाह अफरीदी होंगे, मोहम्मद आमिर होंगे और जो कि नसीम शाह होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए बॉलर। शाहिन शाह अफरीदी ने बता दिया कि मोहम्मद आमिर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका दिया जा रहा है और न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद आमिर को पाकिस्तानी टीम में शामिल किया जाएगा।